इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार यानी कि दीपावली हमारे घर में मनाया जाता है पूरे 5 दिन। हाँ जी, 5 दिन की 5 different traditions, 5 different pujas, 5 different dresses, यानी कि फुल ऑन धमाल जो स्टार्ट होता है धनतेरस से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आप सबको दिखाया जाए हमारे घर का दिवाली उत्सव, वो भी पूरे 5 दिन का। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है दिवाली स्पेशल स्टार्ट करते हैं। मगर हाँ, 1 मिनट, अगर आप हैं डिफरेंट जगह जाने के शौकीन और डिफरेंट डांस फॉर्म्स सीखना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके मुझे इस दिवाली का प्यारा सा दिवाली प्रेजेंट दे दीजिए ना, और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा 5 दिन का दिवाली फेस्टिवल का ये ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। Day 1, धनतेरस की शाम। कहते हैं धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा बर्तन भी जरूर लेने चाहिए, चाहे वो स्टील के हों या तांबे के हों। तो बस हम भी पहुंच गए ज्वेलर की शॉप पर कुछ लेने के लिए। हमारे यहाँ चांदी का सिक्का जरूर खरीदा जाता है धनतेरस पे और उसकी पूजा की जाती है दिवाली वाले दिन। तो हमने लिया सिक्का और चांदी के बिछिए लक्ष्मी जी के लिए। उसके बाद हमने रुख किया बर्तन वालों की तरफ। धनतेरस की पूजा के लिए मैदा और चीनी से दीवड़े नामक एक पकवान बनाया जाता है जिससे पूजा की जाती है। कहते हैं पूरे साल भर में एक यही दिन होता है जिस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। घर के बाहर एक मिट्टी का सा टीला बनाकर उस पर दिए रख के, तो इस तरह से यमराज की पूजा होती है धनतेरस पे। साथ ही साथ धनवंती की भी पूजा होती है। आज है दिवाली का सेकेंड डे, यानी कि छोटी दिवाली। एक नॉर्मल पॉपुलर लैंग्वेज में इसे नरक चौदस भी कहते हैं। इस दिन का रिचुअल ये होता है कि सुबह नहाने से पहले एक उपटन नाम की चीज होती है जिसमें जो आटे से हल्दी से तेल से बनती है, उसे यूजुअली लगाया जाता है। और कहते हैं कि उसे लगा के छुड़ाने से आपके जितने भी सिंस हैं, जितने भी आपने जो भी बुरे काम करे हैं, वो निकल जाते हैं और आप वापस से शुद्ध हो जाते हैं। तो सुबह सुबह नहाने से पहले ये काम किया जाता है और शाम को थोड़े बहुत पटाखे जलाए जाते हैं, दिए काढ़े जाते हैं। और हाँ, एक चीज और, हमारे कास्ट में जैसे कि हम भाईजब्स हैं, एक हफ्ते पहले, दिवाली के एक हफ्ते पहले अहोई अष्टमी आती है, उस पे मटकी में पानी रखा जाता है और फॉर अ वीक उस पानी को रखते हैं। और आज के दिन सुबह सुबह नहाने के बकेट्स में थोड़ा थोड़ा पानी वो सारे फैमिली मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है और डाला जाता है वो पानी। उस पानी की एक अलग ही महत्वता है, उस पानी से नहाने का भी एक अलग ही महत्व है। तो आज के इस सेकेंड डे की चलिए शुरुआत करते हैं। फिर शाम को हम लोग काटते हैं दिए। आज सेकेंड डे पे लगते हैं 11 दिए और कल लगेंगे 21 दिए। तो चलिए अब दिए काटते हैं। सोसाइटी में हुआ दीपदान इस दिवाली, देखिए उसका ब्यूटीफुल सा व्यू। Day 3, दिवाली। दिवाली वाले दिन घर को फूलों से सजाया जाता है और फिर बारी आती है मिठाइयां लाने की, क्योंकि दिवाली हो और मिठाई ना हो ये बात कुछ हजम नहीं होती। दिवाली वाले दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इसके लिए सजाई जाती है चौकी। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी चौकी सजाना।
जी, हमारी लक्ष्मी जी की थाल और उनका जो चौकी है वो तैयार हो गई है, सज गई है। हमारे लक्ष्मी जी की थाल में घर के बने हुए पकवान और मिठाइयाँ और 5 फल जरूर रखे जाते हैं उनके भोग के लिए। ये जो आप बीच में बड़ा सा दीपक देख रहे हैं, ये अखंड दीपक होता है। पूजा के पहले इसे जलाया जाता है और रात भर इसे जलते रहना होता है। सो गाइस, शाम हो चली है तो चलिए अब रंगोली बनाया जाए, क्योंकि दिवाली में अगर रंगोली नहीं बनेगी तो मजा कैसे आएगा। अब मैं शुरू कर रही हूँ बनाना हमारी रंगोली, देख के बताइएगा कैसी बनी है। रंगोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सबने मिलकर रंगोली बनाई है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसी बनी है ये हमारी सुंदर सी रंगोली, देखिए। अभी मगर इसका लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जब हम दिए लगाएंगे तब इसका लुक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये है फ्रेंड्स मेरा दिवाली लुक, कैसा लगा आपको? हमारे यहाँ आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा घर की बहुएं और मैरिड वुमेन फुल तैयार होकर ही करती है। तो बस हम रेडी हैं हमारे घर की लक्ष्मी पूजन करने के लिए मेरे अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद में चलाएंगे पटाखे। तो चलिए अब पूरे फैमिली के साथ करते हैं लक्ष्मी जी का पूजन। रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाता। तो हमने अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन कर लिया है। ये है मेरी सासू माँ, हमने मिलके बहुत अच्छे से पूजा किया। अब बस जा रहे हैं पटाखे चलाने के लिए। Day 4, अंकुर गोवर्धन पूजा। दिवाली का अगला दिन, आज पूजे जाते हैं गोवर्धन महाराज और दोपहर में बनाया जाता है अंकुर का भोग। अंकुर क्या होता है? अंकुर बेसिकली पहले के टाइम में तो और अब भी बहुत सारे घरों में 15-16 तरह की हरी सब्जियां बनाई जाती हैं अलग अलग, और उसके साथ में ही राजमा, छोले, चने ये भी बनते हैं, और बनती है कढ़ी, चावल, बाजरा, पूरी और पुए, जो गुलगुले होते हैं मीठे पुए वो बनता है। बट अब छोटी छोटी फैमिलीज होती है तो आप 15-16 तरह की अगर अलग अलग सब्जियां बनाएंगे तो उनको खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारी सब्जियों को एक साथ मिला के ही बना लेते हैं, उसे कहते हैं सकड्डा। तो हमारे घर में आज बन रहा है अंकुर, जिसमें बनने वाला है सकड्डा, कढ़ी, चावल, पूरी और पुए। और शाम को हम पूजा करेंगे गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज हमारे जो मथुरा में, आपने सुना होगा मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं, वो कृष्ण भगवान का ही एक रूप होते हैं गोवर्धन महाराज, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसी वजह से उनका नाम गोवर्धन भगवान पड़ गया था और उन्हें आज के दिन पूजा जाता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या तैयारी शुरू हो चुकी है अंकुर बनाने। और ये देखिए हमारी सकड्डे की सब्जी और कढ़ी बन के ऑलमोस्ट तैयार है, और इसके साथ ही साथ यहाँ तैयार हो चुके हैं मीठे गुलगुले और पालक की पकौड़ी। ये लीजिए जी, तैयार हो गया पूरा अंकुर का भोग।
सकड्डे की सब्जी, कढ़ी, चावल, गुलगुले, पालक की पकौड़ी और साथ में पूरियां। बस बाजरे की कमी है इसमें। ये भगवान जी को चढ़ाते हैं ये भोग। सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। आरती कुंज बिहारी की, शिगिर धर कृष्ण मुरारी की। फ्रेंड्स, अंकुर बन चुका है, आरती हम लोग ने कर ली है, भोग लग गया है। अब बस अंकुर का प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे गोवर्धन की। गोबर हमारे पास आ चुका है, भगवान बनाएंगे हम उनसे अंकुर का प्रसाद खाने के बस थोड़ी देर के बाद। ये लीजिए, यहाँ हमने बनाने शुरू कर दिए हैं अपने गोवर्धन महाराज। और बस हमने शुरू कर दी पूजा। बहुत सारे घरों में ये पूजा सुबह के समय या दोपहर में भी होती है, बट हमारे यहाँ ये पूजा शाम को होती है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखा गोवर्धन महाराज की पूजा पूरे परिवार के साथ कितनी बढ़िया तरीके से संपन्न हुई, और भगवान भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो सच है, चाहे पत्थर के हों, गोबर के हों, किसी भी रूप में भगवान बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज का हमारा डे 4 यही समाप्त होता है, यही फिनिश होता है। एंड अभी पूरे तरह से रेडी है हम डे 5 यानी भाई दूज के लिए। डे 5 भैया दूज। आज है दिवाली उत्सव का आखिरी दिन यानी कि 5th डे, और आज हम मनाते हैं भाई दूज। भाई दूज पे भाइयों के टीके होते हैं और उनके वेल बीइंग के लिए जो सिस्टर्स होती हैं वो प्रेयर करती हैं, पूजा करती हैं। तो आज का दिन शुरू होता है कहानी के साथ और कुछ रिचुअल्स के साथ जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आज भाइयों को टीका करेंगे और उनको थोड़ा सा हम लूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई दूज का ये सेलिब्रेशन। भाई दूज की कहानी हम लोगों ने कहनी शुरू कर दी है यहाँ पर। कहानी के बाद गेट के जो मेन गेट होता है उसके कॉर्नर पर ये एक और पूजा होती है। इसमें दो दीपक यानी कि दो दियालियों को उल्टा पलटा करके रखा जाता है, उसके बीचों बीच रखे जाते हैं बबूल के कांटे, थोड़ा सा मीठा दीवड़ा जो हमने अवयष्टि में बनाया था, और उसके बाद मूसली से, और यदि मूसली ना हो तो हमारे घर में जो अदरक कूटने वाली छोटी सी मूसली होती है उससे उन दियों को कूटा जाता है। और कहा जाता है कि मेरे भाई भतीजों के जो भी दुश्मन है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो सब कूट जाएं, वो सब दूर हो जाएं। भाई दूज की पूजा हो चुकी है, अब बस इंतजार है भाइयों का, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम टीका करना भाइयों। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी ये त्योहार बहुत मस्ती से मनाया। सो गाइज, ये था मेरा दिवाली व्लॉग। दिवाली उत्सव पूरे 5 दिन का मैंने आपको दिखाया कि हम अपने परिवार में इंडिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या रिचुअल्स करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये इस बार का ब्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।